हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, फाइनली शाओमी अपना एक नया फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन जो है कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहने वाला है यहां पर रेडमी नोट 11 टी प्रो 5G। एंड आज की स्टूडियो में इसकी लॉन्च डेट कंफर्म जो क्या है वो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। स्पेसिफिकेशन, फर्स्ट लुक, सारी चीजें यहाँ पर बाहर आ चुकी है। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रेडमी नोट 11 टी प्रो 5G स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो 24th ऑफ मे को ये ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है चाइना में। जी हाँ, अभी फिलहाल के लिए चाइना मार्केट के लिए यहाँ पर ये लॉन्च करा जाएगा। इंडिया में कब लॉन्च होगा, क्या प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होगा, आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या नाम्स आने वाले हैं वो भी आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से इसका फर्स्ट लुक एंड जितने भी स्पेसिफिकेशन वगैरह जो लीक हो गया है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूँ। बिल्ड एंड डिजाइन की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे कैमरा लेआउट काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है Realme के कैमरा लेआउट से। दिखने में फोन यहां पर काफी सही रहने वाला है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है 6.6 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक IPS डिस्प्ले मिलेगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। RAM एंड ROM की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है 3 वेरिएंट में लॉन्च हो सकता है, 698, 8128 और 8256GB। डुअल सिम का सपोर्ट रहेगा, SD कार्ड स्लॉट रहेगा या नहीं रहेगा अभी फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं है। एज वेल एज UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5 वाला RAM टाइप भी यहां पर देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का हाइलाइटिंग फीचर रहेगा, क्योंकि यहां पर आपको MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट Dimensity 8100 वाला मिलेगा जो कि 5nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है। परफॉर्मेंस काफी किलर रहने वाली है, Snapdragon 888 के आसपास की परफॉर्मेंस यहां पर ये प्रोवाइड कराने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 64+8+2 मेगापिक्सल का। सेल्फी कैमरे में दो पॉसिबिलिटीज लग रही है, या तो 16 मेगापिक्सल का मिल सकता है या 20 मेगापिक्सल का भी देखने को मिल सकता है। Android वर्जन एंड UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 मिलेगा, MIUI 13 पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलेगा जो कि काफी बढ़िया बात है, कमबैक करते हुए दिख रहा है। साथ ही में यहां पर डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलेगा Dolby Atmos के साथ में। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करेगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको 67 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, ये पूरा आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले अपकमिंग Redmi Note 11T Pro 5G स्मार्टफोन पे। अब बात कर लेते हैं भाई क्या प्राइस पॉइंट तक के ये लॉन्च हो सकता है। जो चाइनीज प्राइस पॉइंट वगैरह लीक हो के आई है, इंडियन प्राइस पॉइंट में मैं कन्वर्ट करके बताऊं। बताया जा रहा है इसका जो 698 वाला वेरिएंट है अराउंड 20,000 रुपीस के आसपास जो चाइना मार्केट के लिए लॉन्च करा जाएगा। तो काफी किलर प्राइस पॉइंट चाइना की यहां पर रहने वाली है। अगर हम बात करें भाई इंडिया में क्या नाम से आ सकता है, कब आ सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे आ सकता है, तो इंडिया में बताया जा रहा है रेडमी इसे जो है पोको की ब्रांडिंग के अंदर ला सकता है। एंड बताया जा रहा है पोको X4 Pro GT के नाम से आपको देखने को मिल सकता है। कब तक के मिल सकता है, तो ये स्मार्टफोन तो चाइना में 24 मई को लॉन्च होने वाला है। पकड़ के चलो पोको रीब्रांड एंड सारी चीजें होते होते जो है जून जुलाई तक के आपको देखने को मिल सकता है। इंडिया प्राइस पॉइंट 20,000 रुपए के आसपास मत पकड़ना, इंडिया में 25-26,000 रुपए के आसपास जो है देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रेडमी नोट 11 टी प्रो 5G स्मार्टफोन के स्पेक्स आपको कैसे लगे एंड इंडिया में आपके हिसाब से पोको की ब्रांडिंग के अंदर आता है, तो ये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए इसका प्राइस पॉइंट क्या रहना चाहिए मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।